हाय फ्रेंड, अभी मेरे पास MI 5 पे फ़ोन है और इसमें जो है गूगल अकाउंट लॉक है। तो गूगल अकाउंट को कैसे आप MI 5 पे या अदर्स मोबाइल में आप बाईपास करेंगे, मैं आपको डिटेल्स में दिखाता हूँ। तो सबसे पहले वाईफाई से फ़ोन को कनेक्ट करना है और उसके बाद नीचे देखिए ऐड यहाँ पे नेटवर्क, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको टाइप करना है www.youtube.com। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको टाइप कर लेता हूँ। तो अब क्या करना है, इसको थोड़ी देर के लिए आपको प्रेस करके रखना है और ये जो ऑप्शन है इसमें क्लिक करना है। फिर देखिए जीमेल में आपको प्रेस करके रखना है थोड़ी देर के लिए, तो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। और यहाँ पे आपको जो है नोटिफिकेशन, ठीक है, नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे जाना है, एडिशनल सेटिंग क्लिक करना है। अभी राइट साइड में 3 डॉट है, इसमें क्लिक करना है हेल्प एंड फीडबैक। ठीक है, तो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। और यहाँ पे आपको सिर्फ डी टाइप कर दीजिए तो ऊपर वाले जो ऑप्शन है इसमें क्लिक करना है। उसके बाद देखिए टैप टू एप्लीकेशन, इसमें क्लिक करना है। अब जो एप्लीकेशन है ये टोटल लिस्ट आ जाएगा, तो आपको मैप में क्लिक करना है। कहाँ है मैप ये देखिए, और इसको क्लिक करने के बाद ऐप नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है और नीचे की ओर जाना है, एडिशनल ये जो सेटिंग है इसमें क्लिक करना है, तो जो मैप है ओपन हो जाएगा। तो इसमें स्किप कर देना है और एक बार बैक करना है। तो मैप देखिए आ गया। तो अब क्या करना है, लेफ्ट साइड में जो यहाँ पे 3 डॉट है इसमें क्लिक करना है। तो अभी नीचे की ओर जाना है, गूगल अर्थ इसमें क्लिक करना है और यहाँ पे गेट ऐप इसमें क्लिक करना है। ठीक है, तो आप देखिए ऊपर एक सर्चिंग का ऑप्शन है, इसमें आपको जो है फायरफॉक्स टाइप करना है और फायरफॉक्स को आपको डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे डाउनलोड है, अभी ओपन पे जो है क्लिक करना है और इसको जो है इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो आप डाउनलोड कर लीजिए फिर उसको इंस्टॉल कर लीजिए। तो सिंपली कुछ सेटअप आएगा, इसको इंस्टॉल करने के लिए वही करना पड़ेगा और कुछ नहीं है। तो ये देखिए नीचे सर्चिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको टाइप करना है google.com। तो एक्चुअली फायरफॉक्स से यहाँ पे गूगल जो ब्राउज़र है ये ओपन होगा। यहाँ पे आपको टाइप करना है FRP फाइल। ठीक है, तो बेसिकली आपको FX लॉन्चर डाउनलोड करना है, तो इसमें आपको मिल जाएगा। ये देखिए नीचे FX लॉन्चर लिंक पे क्लिक करना है और FX लॉन्चर को डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे डाउनलोड जो है यहाँ पे शो करेगा, ये देखिए डाउनलोड हो रहा है। कंप्लीट हो गया, तो इसको क्या करना है, इंस्टॉल करना है। तो अननोन सोर्स को ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद जो है इंस्टॉल होगा। ओके, तो FX लॉन्चर अभी जो है इंस्टॉल हो गया और यहाँ पे कुछ FX लॉन्चर का सेटअप है, इसको सिंपली कर देना है आपको और कुछ नहीं। यहाँ पे अभी फ़ोन जो है ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए फ़ोन अभी ओपन हो गया। अब क्या करना है, अभी आपको जो है सेटिंग पे जाना है। सेटिंग, तो यहाँ पे सेटिंग में जाने के बाद ऊपर देखिए अबाउट फोन, ठीक है,
तो अबाउट फोन में क्लिक करना है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे UMIUI वर्जन आपको दिख रहा है, तो इसमें आपको टैप करना है तो डेवलपर एक ऑप्शन है वो ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्लिक करना है। अब देखिए डेवलपर ऑन हो गया, ठीक है। तो ये मिलेगा कहाँ, ये एडिशनल सेटिंग के अंदर मिलेगा। एडिशनल सेटिंग नीचे ये देखिए डेवलपर ऑप्शन, इसमें क्लिक करना है। अब देखिए तो OEM अनलॉकिंग इसको जो है ऑन करना है। ये देखिए एक बार ऑन करने के बाद अगर बैग में जाओगे तो फिर से ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो कंटिन्यू जो है इसको आपको ऑन ऑफ करते रहना है, तो कुछ देर बाद जो है ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं टैप करता हूँ, अब देखिए फिर से ये ऑफ हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जब तक ये ऑन नहीं हो जाता है तब तक आपको जो है टैप करना है। तो अब देखिए ये ऑन हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको बैग में जाना है और जो है फ़ोन को रीसेट करना है। तो यहाँ पे रीसेट का ऑप्शन जो है अबाउट फोन में मिल जाएगा, अबाउट फोन ये बैकअप एंड रीसेट, नीचे देखिए फैक्ट्री डाटा, ठीक है। तो फ़ोन को अभी फ़िलहाल जो है टोटल रीसेट कर देना है। तो यहाँ पे 90% जो काम है वो कंप्लीट हो गया, अभी सिर्फ 10% बाकी है, ठीक है। तो मैं वीडियो को अभी थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके टोटल सेटअप को मैं दिखा देता हूँ। फ्रेंड यहाँ पे रीसेट कंप्लीट हो गया और मैं फटाफट से इसका जो सेटअप है उसको कंप्लीट करके आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड अभी देखिए सिर्फ इसका जो कुछ सेटअप है सेटअप को कंप्लीट कर लेना है तो ये जो फोन है ये FRP बाईपास होके ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं सेटअप को इसमें कंप्लीट कर लेता हूँ। तो अब देखिए इसका जो सेटअप है वो लगभग कंप्लीट हो गया और ये जो फ़ोन है इसका FRP बाईपास हो गया, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरीके से आपको जो है स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आपका MI 5A 4 है या MI का और भी जो कुछ फ़ोन है उसका FRP आप इजी बाईपास कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड। तो अब यहाँ पे देखिए इसका FRP कंप्लीट हो गया और यहाँ पे फ़ोन जो है ऑन हो गया, ठीक है। तो आपको इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है वीडियो को फॉलो करना है।